वेलकम बैक। इस टॉपिक में हम लोग रिएक्शन ऑफ बोरॉन फैमिली विद हैलोजन देखेंगे। सो देखो, ऑल मेंबर्स, यहां कोई एक्सेप्शन नहीं, ऑल मेंबर्स ऑफ बोरॉन फैमिली रिएक्ट्स विद हैलोजन। तो कौन कौन रिएक्ट करेगा? बोरॉन रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम भी करेगा, गैलियम भी करेगा, इंडियम भी करेगा और थैलियम भी करेगा। तो सब कोई रिएक्ट करते हैं हैलोजन से। बोरॉन रिएक्ट करेगा हैलोजन से, एल्यूमिनियम करे या कोई भी करे, तो हम लोग बोल सकते हैं ऑल एलिमेंट रिएक्ट। तो लेट से एलिमेंट का नाम मैंने दिया ई। ये ई क्या है? कोई भी एलिमेंट हो सकता है। और मैंने क्या किया? हैलोजन ले लिया। हैलोजन को मैंने X से डिनोट किया, तो X2। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बोरॉन फैमिली एलिमेंट विल रिएक्ट विथ हैलोजन टू फॉर्म EX3 ट्राइवेलेंट। हम लोग देखे थे इन लोग का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, वह 3 होता है, 1 भी होता है, बट यहाँ तक तो कॉमन क्या था, 3 था। पर थैलियम क्यों बनाएगा +3 वाला? देखो, थैलियम +1 ज़्यादा बेटर है, बट यहाँ पे हैलोजन के साथ रिएक्शन है, तो थैलियम कैन हैव हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज उसके बगल में हैलोजन है। हैलोजन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए थैलियम का ट्राई हैलाइड बनता है। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कंपाउंड का? BF3 हो सकता है, BCl3 हो सकता है, AlCl3 हो सकता है, GaCl3 हो सकता है। ऐसे करके बहुत सारे कंपाउंड हम लोग चाहे तो बना सकते हैं। अब होता क्या है, कुछ कुछ हैलाइड, लेट्स से ब्रोमीन, कुछ कुछ ब्रोमीन किसी एक से रिएक्ट नहीं करेगा, तो कोई आयोडीन किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, तो वो सब फाइनल डिटेल है, अपने को उतना नहीं जानना है। ईच एंड एवरी हैलोजन का डिटेल नहीं जानना है, हम लोग को रफली याद रखना है ऑल मेंबर्स ऑफ बोरॉन फैमिली डू रिएक्ट विथ हैलोजन टू प्रोड्यूस ट्राई हैलाइड। ठीक है, अब इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एक जो क्वेश्चन बहुत आसान सा पूछा जाता है कि BF3 इज कोवेलेंट बट AlCl3 इज आयनिक, AlCl3 इज आयनिक। तो देखो, एक बात तो हम लोग को पता होता है, कंपाउंड्स कैन बी कोवेलेंट विथ सम आयनिक कैरेक्टर, या फिर क्या बोल सकते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड का कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है और आयनिक कंपाउंड का भी कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग को सोचना है। BF3 के बारे में बोला जाता है इट इज कोवेलेंट, मतलब आयनिक कैरेक्टर बहुत कम है। अब ऐसा क्यों? तो देखो, BF3 में अगर मैं बोलता हूँ कि लेट्स से ये आयनिक है, तो अगर आयनिक है तो ये क्या बनाएगा, B+3 बनाएगा और फ्लोरीन यहाँ माइनस होंगे। सो देखो, B+3 का एग्जिस्टेंस बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? B+3 बनाने के लिए आपको 3 आयनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करना होगा और B+3 का साइज होता है बहुत छोटा होता है। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन, इसका पोलराइजिंग पावर हाई होता है। फेजेंस रूल, स्मॉलर कटायन मोर कोवेलेंट, स्मॉलर कटायन मोर कोवेलेंट। तो देखो, इसका रीजन हम लोग से पूछेगा तो हम लोग 2 इंपॉर्टेंट रीजन लिखेंगे। क्या क्वेश्चन है? व्हाई BF3 इज कोवेलेंट? तो पहला रीजन होगा, बोरॉन इज वेरी स्मॉल,
हेंस हाई पोलराइजिंग पावर, हाई पोलराइजिंग पावर। फेजेंस रूल के हिसाब से क्या, मोर पोलराइजिंग पावर मोर कोवेलेंट, तो हाई पोलराइजिंग पावर देयरफॉर कोवेलेंट। ठीक है, दूसरा, हम लोग को पता होता है कि अगर इलेक्ट्रोड नेगेटिविटी डिफरेंस हाई होगा तो आयनिक और लो होगा तो कोवेलेंट। बोरॉन सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है। फ्लोरीन तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम नहीं है, ठीक ठाक है। तो क्या बोलेंगे, सेकेंड रीजन हो जाएगा बिटवीन बोरॉन एंड फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लो। ये दो इंपॉर्टेंट रीजन लिखिएगा। इसके बाद अगर आपको लिखना है तो आप आयनाइजेशन एनर्जी वाला पॉइंट भी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन पूछता है AlCl3 के बारे में, क्या पूछेगा, बोलेगा कि AlCl3 को अगर आप कहीं रखते हैं तो AlCl3 विल प्रोड्यूस फ्यूम्स, AlCl3 प्रोड्यूसेस फ्यूम्स, या AlCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर। अब ये क्यों हुआ, सो ये फ्यूम क्या होता है। देखो हमारे सिलेबस में फ्यूमिंग है ना, वो 95% टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर फ्यूम बोला है मतलब HCl की बात हो रही है। देखो HCl जो होता है ना, मॉइस्ट एरिया में जहाँ मॉइस्चर उसको एनवायरनमेंट मिल जाएगा वहाँ वाइट फ्यूम्स बन जाता है। तो ये फ्यूम है तो कहीं ना कहीं मतलब है कि HCl है। अब HCl कहाँ आया AlCl3 के अंदर, तो मॉइस्चर है ना, तो AlCl3 प्लस वाटर विल प्रोड्यूस AlOH होल थ्राइस प्लस 3HCl। लीजिए आ गया आपका फ्यूम करने वाला स्पीसीज। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्यूमिंग की बात करेगा मतलब HCl की बात हो रही है। व्हाई AlCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर, AlCl3 रिएक्ट्स विथ मॉइस्चर टू प्रोड्यूसेस AlOH होल थ्राइस एंड HCl, दिस HCl प्रोड्यूसेस फ्यूम्स। समझ में आया, ये होता है। नेक्स्ट, अब एक और क्वेश्चन पूछता है इसी टॉपिक से, वो है थैलियम का TLi3 बनता है। पूछेगा कि TLi3 में थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। देखो TLF3 में तो थैलियम प्लस 3 रहेगा, बट TLi3 में थैलियम प्लस 3 नहीं रहेगा। देखो थैलियम का प्लस 1 मोर स्टेबल है, फ्लोरीन आ गया ठीक है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है प्लस 3 में चला जाएगा, बट आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है नहीं ना, तो यहाँ थैलियम जो है प्लस 1 में ही है। तो थैलियम प्लस 1 में है तो I3 कहाँ है, तो ये स्पीशीज कुछ ऐसा होता है थैलियम प्लस 1 I3 माइनस होता है। तो आपसे पूछेगा TLi3 में कौन से स्पीशीज है, TLi3 में थैलियम प्लस 1 है और I3 माइनस है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आयो 3 रखा
दिखा लोग प्लस थ्री टिक करके आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, थैलियम प्लस वन में होता है और I3 माइनस वन होता है। अब बहुत लोग को ये स्पीशीज तो नया दिख रहा होगा, बट ये कोई नया स्पीशीज नहीं है, I3 माइनस एग्जिस्ट करता है केमिकल बॉन्डिंग में। इसका तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन शेप और लोन पेयर तक निकाले थे I3 माइनस का। तो ये स्पीसीज एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे I3 माइनस वन है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में सेम टॉपिक कंटिन्यू होगा, हैलाइड्स ही कंटिन्यू होगा, वहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो उसे मिस नहीं करना है। थैंक यू।